साथियों, इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे नामधारी सेक्ट के बारे में, या फिर आप कह लीजिए हुका मूवमेंट के बारे में। न्यूज़ ये है कि इनका कुछ लैंड डिस्प्यूट का मामला चल रहा है हरियाणा में, क्योंकि हमारे किसी काम का नहीं है। हमें ये मालूम होना चाहिए नामधारी सेक्ट क्या है, हुका मूवमेंट क्या था। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आपसे पूछा जा सकता है कि हुका मूवमेंट का, नामधारी सेक्ट का फाउंडर कौन था। तो देखो, वैसे तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसकी शुरुआत जवाहरलाल मल करते हैं, लेकिन प्रोमिनेंस इस सेक्ट को, इस मूवमेंट को मिलता है अंडर द लीडरशिप ऑफ बाबा बालक सिंह, और इसी को और ऊंचाइयों पे लेके जाते हैं बाबा राम सिंह जी। ठीक है, तो फाउंडर्स अगर एग्जाम में मान लो अगर क्वेश्चन पूछा जाए, तीनों नेम तो एक बार नहीं होंगे, जाहिर सी बात है, इन तीनों में से एक नाम आपको देखने को मिल सकता है। तो एक तो फाउंडर्स जो है इसके बारे में हमें पता चल गया। जब हम बात करते हैं नामधारी सेक्ट की या हुका मूवमेंट की, तो नामधारी सेक्ट जो है ये पार्ट है सिखिज्म का, सिखिज्म का पार्ट है, लेकिन जो मेन स्ट्रीम सिखिज्म है उसके अगेंस्ट ही ये खड़ा हुआ है। ठीक है, तो मेन स्ट्रीम सिखिज्म जो है उसके खिलाफ ये क्यों खड़ा हुआ, क्या कारण थे? तो देखिए, सबसे पहले जब हम नामधारियों की बात करते हैं तो ये कहते हैं कि भाई रिफॉर्म होना चाहिए। जो बहुत सालों से ये जो कॉन्सेप्ट चल रहा है सिखिज्म का, जो कॉन्सेप्ट है, इसमें बहुत ज़्यादा करप्शन आ चुका है, बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटी आ चुका है, इसमें कुछ रिफॉर्म की ज़रूरत है। कैसे रिफॉर्म की ज़रूरत है? तो देखो, सबसे पहली बात तो सिखिज्म को फॉलो करने वाले जो लोग हैं, चाहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप की बात करें, चाहे रिलीजियस लीडरशिप की बात करें, इसके ऊपर एक डिसएग्रीमेंट जो था ये इन लोगों ने दिखाया कि जो लीडरशिप है मेन स्ट्रीम सिखिज्म की वो सही नहीं है आज के टाइम में। दूसरा, नामधारियों का मानना है कि मेडिटेशन, योग, चांटिंग, इसमें क्या बुराई है, ये तो मेन स्ट्रीम सिखिज्म का पार्ट ही नहीं है, तो इसको हम क्यों नहीं कंसिडर कर रहे हैं? अगर नहीं कंसिडर कर रहे हो तो एक नया सेक्ट बनाने की जरूरत पड़ जाएगी। नामधारी जो है ये वेजिटेरियनिज्म की बात करते हैं, जब हम मेन स्ट्रीम सिखिज्म की बात करते हैं, ये 1870s की जब हम बात करते हैं, इनफैक्ट आज भी अगर आप देखोगे तो सिखिज्म में ऐसे बहुत सारे सेक्ट हैं जहाँ पे आप देखोगे कि नॉन वेजिटेरियन का कॉन्सेप्ट है, तो ये इसके भी खिलाफ थे। फिर जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो ये था कि जो मेन स्ट्रीम सिखिज्म है उसमें लिविंग गुरु का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। गुरु गोविंद सिंह जी के बाद में कोई भी लिविंग ह्यूमन बींग जो है उसको गुरु का दर्जा नहीं मिलेगा। गुरु गोविंद सिंह जी के बाद में गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु कंसिडर किया जाएगा। और जब नामधारियों की बात करते हैं तो वो कह रहे हैं कि भाई ऐसा क्यों है, लिविंग गुरु जो है वो क्यों नहीं हो सकता, हर बंदे में पोटेंशियल है। देखो, ये बात तो सही है, लेकिन इसमें खतरा भी बहुत है, क्योंकि देखो इसके बाद होता क्या है कि अगर आप लिविंग गुरु का कॉन्सेप्ट अगर लेके आ रहे हो, कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छा है, हर बंदे में पोटेंशियल है गुरु बनने का, हर बंदे में पोटेंशियल है संत बनने का, सच को जानने का, इनलाइटनमेंट होने का, हर बंदे में वो पोटेंशियल है, लेकिन क्या उस पोटेंशियल पर वो खरा उतरा, इसकी क्या गारंटी है? तो अगर आप एक लीनेज सिस्टम बना देते हो, एक सक्सेशन सिस्टम बना देते हो, एक डायनेस्टिक सिस्टम बना देते हो कि एक के बाद उसी फैमिली का बंदा जो है वो सदगुरु बनता रहेगा, गुरु बनता रहेगा, तब वहाँ पे दिक्कत आ सकती है। अब देखो, सचिन तेंदुलकर बहुत महान बल्लेबाज है, उसका लड़का क्या उतना ही खतरनाक क्रिकेटर बन पाया? नहीं बन पाया। तो यहाँ पे सवाल खड़े हो रहे हैं, आप यहाँ पे इनकी पोटेंशियल पे, इनकी इंटेलेक्चुअल जो गेन है, जो नॉलेज है, उस पर हम सवाल या निशान खड़े नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक डाउट तो लोगों के मन में आएगा ही। लिविंग गुरु का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, नो डाउट, लेकिन ये बार बार जो सक्सेशन वाला सिस्टम है वहाँ पे थोड़ा सा जो सवाल निशान जो है ये खड़े होते हैं। नामधारी सेक्ट की जब हम बात करते हैं साथियों, तो इनका हेडक्वार्टर है पैनी साहब में, जो कि लुधियाना में है, पंजाब के। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। जब हम नामधारी सेक्ट की बात करते हैं साथियों, हुका मूवमेंट की बात करते हैं, तो इट वॉज फर्स्ट नोटेबल अपराइजिंग अगेंस्ट ब्रिटिशर्स इन पंजाब। ये भी हमें मालूम होना चाहिए कि कैसे, जैसे हम स्वदेशी मूवमेंट की बात करते हैं तो आप देखते हो कि कैसे जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था उसके बाद हम स्वदेशी मूवमेंट की बात करते हैं कि इंडिया में शुरू हुई थी, लेकिन असल में जो स्वदेशी मूवमेंट का जो कॉन्सेप्ट है ये नामधारियों ने शुरू किया था। खादी का जो कॉन्सेप्ट है ये नामधारियों ने शुरू किया था, इसमें कोई शक नहीं है, और ये कहीं ना कहीं पहला अपराइजिंग था ब्रिटिशर्स के खिलाफ। इन्होंने 1870s का जो टाइम पीरियड था उसमें अपना न्यूज़पेपर भी चलाया जिसे सतयुग कहते हैं। यहाँ से आ सकता है पेपर में क्वेश्चन कि सतयुग न्यूज़पेपर जो है ये किस मूवमेंट का पार्ट था। ठीक है, तो ये हुका मूवमेंट का पार्ट था। अब जो सवाल है, नामधारी सेक्ट क्या है और हुका मूवमेंट क्या है, इन दोनों शब्दों को थोड़ा समझते हैं। देखो, अभी तो आपको पता चल चुका है कि नामधारी सेक्ट जो है ये सिखिज्म का ही पार्ट है। ठीक है, अब इन दोनों टर्म्स को समझते हैं। देखो, पहला जो शब्द है वो क्या है, हमने देखा नामधारी। ठीक है, अगर आप इस वर्ड को ध्यान से देखोगे तो नामधारी, नाम से क्लियर है, नाम को धारण करना, किसके नाम को धारण करना, भगवान के नाम को धारण करना, तो जो भगवान के नाम को धारण करेंगे वो नामधारी, नाम से क्लियर है। ठीक है, और इनकी फिलॉसफी की अगर बात करें तो ये क्या कहते हैं, ओनली चैंटिंग ऑफ गॉड नेम, तो भगवान के नाम को धारना है, भगवान के नाम का चांट करना है, भगवान के नाम का उच्चारण करना है, और जोर जोर से करना है, और जोर जोर को ही हम कहते हैं
कूक, ठीक है, तो इसीलिए हम इसको कूक का मूवमेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब ये दोनों टर्म्स आपको क्लियर हो चुके होंगे, कूक का मूवमेंट क्यों कहते हैं और नामधारी शब्द का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ये गुरु ग्रंथ साहिब या आप कह लीजिए आदि ग्रंथ, इसमें बिलीव करते हैं बिलीव इन लिविंग गुरु, और ये लाइन मैंने आपको पहले भी बताया। ठीक है, और यही एक मेजर बोन ऑफ कंटेंशन है बिटवीन नामधारीस और जो मेन स्ट्रीम सिखिज्म है। कैसे? तो सिखिज्म, मेन स्ट्रीम सिखिज्म की अगर हम बात करें तो वहां पे गुरु गोविंद सिंह जी के बाद में लिविंग गुरु जो है उसको कंसिडर नहीं किया जाता है, गुरु ग्रंथ साहिब को कंसिडर किया जाता है। लेकिन नामधारियों की अगर हम बात करें तो ये लोग गुरु गोविंद सिंह जी के बाद में 11th गुरु जो है ये बाबा बालक सिंह जी को कंसिडर करते हैं, राम सिंह जी जो है वो 12th गुरु है, और करंट अभी अगर हम सतगुरु की बात करें तो वो उदय सिंह है 16th नंबर के। फिर ऐसे अगर हम बात करें तो नामधारी जो है ये आइडल वर्शिप के बिल्कुल खिलाफ है, काओ को सेक्रेट कंसिडर करते हैं। ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। वेजिटेरियनिज्म को प्रमोट करते हैं, अल्कोहल नहीं होना चाहिए, ये लोग तो टी और कॉफी से भी परहेज करते हैं, व्हाइट कपड़े डालते हैं, ये इनकी सबसे बड़ी पहचान है, ये व्हाइट कपड़े डालते हैं, टर्बन इनका कपड़ा जो है ये व्हाइट कलर का होता है। इसके पीछे भी एक स्टोरी है, स्टोरी ये है कि जब हम राम सिंह की बात करते तो राम सिंह को अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया, सजा देकर उनको रंगून भेज दिया, और वहां से कभी वो वापस आ ही नहीं पाए। तो नामधारियों का ये एक सोच है, इनका एक बिलीफ है कि कभी ना कभी राम सिंह आएंगे। और आपको पता व्हाइट कपड़े कब पहने जाते हैं, किसी के मौत पे पहने जाते हैं, तो ये व्हाइट कपड़ा काइंड ऑफ आप कह सकते हो मॉर्निंग है। ठीक है, तो इनका ये बिलीफ है कि कभी ना कभी राम सिंह वहां से आएंगे, और जब तक नहीं आते तब तक ये लोग व्हाइट कपड़े पहनेंगे। ठीक है, तो ये भी इसके पीछे एक स्टोरी है। और न्यूज मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एक लैंड डिस्प्यूट चल रहा है रानिया हरियाणा में, ठीक है, इसलिए ये न्यूज में है। तो इस टॉपिक में इतना ही साथियों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, जय हिंद।